हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ओबी ठीक है देखो सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस बोथ आर द सेम देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ओबी होता क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या चीज राइट right? इसके फीचर्स क्या होती हैं इनके की डिटर्मिनेंट्स क्या हैं इनके प्रोसेस क्या होता है है ना आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की राइट right? सिग्निफिकेंस क्या है ओबी की चलो द इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर देखो सबसे मेन तो यही है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रडिक्ट कर सकते हैं एज वेल एज कंट्रोल कर सकते हैं है ना तो फर्स्ट थ्री तो यही है अंडरस्टैंडिंग प्रडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन बिहेवियर फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस लेवल फिफ्थ प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर एचआरएम सिक्स डेवलपिंग एमिकेबल इंडस्ट्रियल रिलेशन सेवंथ डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स मेकिंग पॉसिबल द यूटिलाइजेशन मीन्स ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नाइन्थ इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड द लास्ट वन इज दैट इज इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस अन अपोज तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये होते क्या है ठीक है देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर क्या कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है ना वो डिपेंड करती है उसकी मैनेजमेंट के ऊपर अगर तो मैनेजमेंट अच्छी है तो है कि वो सक्सीड होंगे अगर उनकी मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं है इफेक्टिव नहीं है एफिशिएंट नहीं है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी सक्सेस है वो आपकी एक डाउटफुल रह जाती है है ना और एक चीज बताओ अब मैनेजमेंट में होते कौन है ऑफकोर्स ह्यूमन बींग्स तो है ना मैनेजमेंट में तो यही बोला गया कि ह्यूमन बींग्स को प्रॉपरली मैनेज आप तभी कर सकते हो इफ यू हैव अंडरस्टैंड देर बिहेवियर है ना तो देखो क्या बोला गया है सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मैनेजमेंट इज दैट इट मैनेजेस ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स कैन बी प्रॉपरली मैनेज ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देअर बिहेवियर आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को तभी अच्छे से मैनेज कर सकते हो अगर आपको उनके बिहेवियर के बारे में पता होगा कि कौन सा पर्सन किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेगा है ना आप तभी उन्हें प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो और ये जो जॉब है ये कहा आपकी मतलब किसकी हेल्प से की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वन इज ह्यूमन बिहेवियर क्या कहते हैं द जॉब ऑफ नोइंग द रिएक्शन ऑफ द इम्प्लॉयज फॉल अंडर ओ बी अंडर दिस वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ इम्प्लॉयज आर स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी इट कैन बी प्रोडिक्टेड हाउ एंड वेन द विल बिहेव देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जब आप स्टडी करते हैं ना तो आप उसके अंदर क्या देखते हो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं ठीक है इसी स्टडी के बेसिस पर आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई कैसे और कब बिहेव करेगा ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द मैनेजर कैन चूज द रिक्वेजेड टेक्निक लाइक मोटिवेशन कम्युनिकेशन लीडरशिप ट्रेनिंग एक्सेट्रा तो इसी बेसिस पर ही जो हमारे मैनेजर्स होते हैं ना वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी है क्या उन्हें मोटिवेट की रिक्वायरमेंट है क्या उन्हें ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है और अगर देनी है तो किस टाइप की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है लीडरशिप की तो नहीं रिक्वायरमेंट तो उन्हें तो उनके बेसिस पर ही मैनेजर्स चूज़ करते हैं कि रिक्वेस्ट टेक्निक क्या चाहिए उन्हें ठीक है नाउ थर्ड वन इज कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर It is an important point of OB to control the behavior of the employees. Under OB, टेक्निक एडवर्स बिहेवियर ऑफ द इम्प्लॉय अवेलेबल देखो बेसिकली हमने क्या किया सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर दो है ना जैसे कि आपने प्रोसेस में भी पढ़ा है कि आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे बिहेवियर आफ्टर दैट आप प्रिडिक्ट कर दो फ्यूचर में कैसा करेगा वो ताकि आपकी कोई अनसर्टेनिटी से आप बच पाओ है ना और फिर आता है कंट्रोलिंग अब ऐसा तो है नहीं आपको पता लगा कि हमारे इंप्लॉयज हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एडवर्स इफेक्ट करें है ना फेवरेबल इमेक्ट मतलब फेवरेबल रिस्पॉन्ड ना दे तो ऐसा तो है नहीं है कि आप उस चीज़ को देखेंगे पढ़ेंगे और छोड़ देंगे ऐसा नहीं होता आप अपने एफर्ट्स लगाते हो कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जा सके ठीक है ओ बी अस एज टू वेन एन एम्प्लॉय विल बिहेव इन एन एडवर्स मैनर इट ऑल्सो अस द वे टू चेक एडवर्स बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल ओ बी अस एज टू विच एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड विद वट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन देखो ओबी के अंदर ना हम जब हम बिहेवियर को स्टडी कर चुके हैं ना तो हमें यह भी पता चल जाता है कि किस इम्प्लॉय को किस मोटिवेशन की टेक्निक से मोटिवेट किया जा सकता है हाउ चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी ऑपोजिशन किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं विदाउट एनी ऑपोजिशन विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड वट टेक्निक्स ऑफ लीडरशिप कैन बी कीप द इम्प्लॉयज हैप्पी और ऐसी कौन सी लीडरशिप टेक्निक है जो आपकी इम्प्लॉज को भी हैप्पी रखती है फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप टेक्निक्स बेसिकली थ्री होती है है ना ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और लेजिफियर ऑटोक्रेटिक में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ जो इम्प्लॉयर होता है ना वो खुद ही डिसीजन लेता है मतलब इम्प्लॉयिज़ को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे जाती बट इफ़ यू इफ यू वॉन्ट योर इम्प्लॉयज़ मस्ट भी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड तो आपको क्या चाहिए या तो आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अपनाएंगे या फिर आप लेर अपनाएंगे फ्री रेन ठीक है तो इस तरह से ये पता चलता है ना कि आपके जो इंप्लॉयज है वो क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं क्या उनका बिहेव कैसा है तो ये सब आपका तभी पॉसिबल है जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करती है नाउ फोर्थ इज देखो क्या कहते हैं इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस लेवल बहुत ही सिंपल सा है अगर आप अपने इम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जान लेंगे कि वो किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हैप्पी रहते हैं किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो डिप्रेस्ड फील करते हैं तो आप उन्हें अकॉर्डिंगली मतलब क्या करेंगे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे होगा क्या वो सेटिस्फाई रहेंगे जब वो सेटिस्फाई रहेंगे तो वो अपने वर्क जो भी उनको असाइंड वर्क दिया गया है वो क्या करेंगे एफिशेंसी के साथ परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं The success of employees in an organization depends on the level of their performance. The higher the level of performance, the greater is the employee's satisfaction. It is important to understand the various factors governing employees' behavior to ensure their satisfaction. This job is done under OB in this way. OB is helpful in raising the level of employees' performance. Simple bola gaya hai. कि आप क्या करते हैं देखो परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन का ना डायरेक्ट रिलेशन जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी उतना ही ज्यादा इंप्लॉय सेटिस्फाई होगा है ना तो यही चीज बोलेगी है, तो इसमें आप क्या करते हैं हम अलग अलग फैक्टर्स को भी डिटरमाइन करते हैं कि इंप्लॉय का जो बिहेवियर है है ना वो किस पर्टिकुलर फैक्टर से सेटिस्फाइड रह सकता है तो ये सब चीजें आपकी ओबी के अंदर की जाती है नाउ फिफ्थ वन इज प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर एचआर देखो एच आर एम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट का एच आर एम स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अंडर इट इसके अंदर क्या किया जाता है स्टाफिंग की जाती है पर्सनल पर्सनल पॉलिसीज बनाई जाती हैं पर्सनल रिसर्च की जाती है ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और इसमें सब में देखो जुड़े हैं है ना हम स्टाफिंग किसकी करेंगे लोगों की करेंगे पर्सनल पॉलिसी मतलब पर्सनल पॉलिसी है ना पर्सन की पॉलिसी बनाएंगे पर्सन के बारे में रिसर्च करेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग है इन ऑर्डर टू अकम्पलिश दीज एक्टिविटीज प्रॉपरली द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इसेंशियल देखो आप स्टाफिंग कर रहे हैं राइट right? आप आपकी अपनी कोई कंपनी है आपने क्या कर रहे है? करना है स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है मीन्स आप क्या कर रहे हो

इंडस्ट्रियल एमिकेबल इंडस्ट्रियल रिलेशन एमिकेबल का क्या मतलब होता है बहुत ही जैसे हम बोल सकते हैं फ्रेंडली है ना फ्रेंडली इंडस्ट्रियल रिलेशन हो जाते हैं ओ बी इज हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग एमिकेबल इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्या आप मतलब समझते हैं कि रिलेशनशिप जो होता है ना एक ऑनर और एम्प्लॉय के बीच में ठीक है मीनस देखो जब एक एम्प्लॉयर ने या ऑनर ने इम्प्लॉयिज़ का बिहेवियर अच्छे से समझ लिया कि कब किस पर्सन को कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए कौन से फैक्टर्स में वो हैप्पी रहेगा कौन सा इन्वायरमेंट वो स्ट्रेस फील करेगा किस इन्वायरमेंट में वो मतलब काम तो कर रहा है बट उसको एक बर्डन समझ के कर रहा है अगर वो चीज़ जान ली तो ऑनर्स की ज़्यादातर कोशिश क्या होगी अपने इम्प्लॉयिज़ को सेटिस्फाइड रखना है ना क्योंकि उन्हें काम निकलवाना है उनसे तो जब वो सेटिस्फैक्शन देंगे उन्हें तो अल्टीमेटली जो इम्प्लॉयज और ऑनर्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा एमिकेबल हो जाएगा मीन्स फ्रेंडली हो जाएगा हारमोनियस हो जाएगा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ठीक है द रिलेशन आर स्वीट ओनली वेन बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड वैसा नहीं है कि इम्प्लॉइज को ही सेटिस्फाई करना है इम्प्लॉयज की भी ड्यूटी बनती है कि जो भी उन्हें काम दिया गया है जो वट एवर वर्क इज असाइन टू देम दे हैव टू डू विद विदेलीजेंस ताकि ऑनर्स भी सेटिस्फाई हो ठीक है ओ बी प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ विद द हेल्प ऑफ ओ बी ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड आप क्या करते हो ओ बी की हेल्प से ह्यूमन के बिहेवियर को समझते हैं एंड विद द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन टाइम

है ना तो यही बोला गया कि सालों से ओबी के ऊपर रिसर्च की जा रही है इवन आज भी आपके जो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं ये जो अदर रिसर्चर्स हैं ना वो स्टिल बिजी हैं इसकी स्टडी करने में ठीक है रिसर्चर्स को बहुत सारी न्यू न्यू इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है इस फील्ड के रिगार्डिंग सो वी कैन सर्टेनली से दैट ओ बी हैज हेल्प इन डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स नाउ एथ वन इज मेकिंग पॉसिबल द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कोर्स देखो जब आपको पता है कि हमारे इंप्लॉयज़ इस पर्टिकुलर बिहेवियर में कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे है ना तो आप उनको कंड्यूसिव एन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे मीन्स जो उनका फ्रेंडली एन्वायरमेंट होगा आप उन्हें वैसा एन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो अल्टीमेटली वो सेटिस्फाई हैं तो रिसोर्सेज को भी वो प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं ठीक है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन मटेरियल मशीन कैपिटल मैनेजमेंट एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। देखो ये तो हम सब स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या इवन कंट्री में भी जितने भी आपके ये रिसोर्सेज हैं ना वो सारे क्या हैं स्कार्स हैं लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इट इज ऑल्सो ट्रू दैट

सॉरी इफ वी वॉन्ट नहीं है वी कैन कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर द अदर रिसोर्सिस ऑटोमेटिकली गेट कंट्रोल देखो अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल कर लिया ना तो आपका मैन अगर सपोज आपका मैन कंट्रोल्ड है तो मटीरियल मशीन कैपिटल और आपका और एक और क्या होता है मैनेजमेंट ये सारी की सारी अंडर कंट्रोल रहेगी ठीक है तो इस तरह से आप कह सकते हैं ओ बी मेक्स इट पॉसिबल टू मेक एन ऑप्टिम यूज ऑफ रिसोर्सेज नाउ Ninth one is improving organizational effectiveness. OB lays stress on the best possible results by helping in controlling individual and group behavior. When better results in every field of the organization are obtained, it is absolutely certain that it will lead to the improvement in organizational. इफेक्टिवनेस देखो ये चीज सिंपल है अगर आपकी हर चीज पॉजिटिव मैनर में चल रही है तो इट्स ऑफ कोर्स कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाए या फिर हम बोलते हैं इंप्रूव हो जाएगी ठीक है तो ये चीज बोली गई है वेन बेटर रिजल्ट फील्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑप्टेन जब हर एक फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन की आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि वो लीड करेगा टू द इम्प्रूवमेंट इन दर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना और बिहेवियर आप सब जानते हैं कि कभी भी एक जैसा नहीं होता ठीक है ना आपका सिचुएशन पर डिपेंड करता है तो ओबी क्या है चेंज ऑरिए राइट इन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर चेंजेस टेक प्लेस हमें पता ही है कि चेंजेस तो आते ही रहते हैं कुछ भी स्टैटिक यहाँ पर नहीं होता एवरीथिंग इज डायनमिक ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज एंटी चेंज बट अगर हम रियलिटी की बात करें जो ह्यूमन बिहेवियर ना तो वो एंटी चेंज होता मीन्स चेंज को ईजिली एडॉप्ट नहीं कर पाता ठीक है हम एक जनरली ह्यूमन बींग होने के नाते में क्या करे जो हम पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं ना हम ये चाहते हैं सदाबहार यही चलता रहे हम कुछ भी न्यू अडॉप्ट ना करें कुछ चेंज ना इम्प्लीमेंट करें है ना और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है फॉर द मैनेजर्स ओ बी हैज एलिमिनेटेड दिस प्रॉब्लम इट हैज लेड टू लेट स्ट्रेस ऑन टीचिंग द इम्प्लॉयज अबाउट द मैरिट्स ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस फ्रॉम टाइम टू टाइम ओ बी के अंदर क्या बताया जाता है कि ओ बी के अंदर ना इम्प्लॉयज को हम टीच करते हैं कि क्या फायदे होते हैं अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशन राइट इन दिस वे दे गेट रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस एंड आर बेटर प्रिपेयर मेंटली In this way, when a need for change arises, they kya kiya hai bahut hi simple sa topic में आपका Significance of OB. जिसके अंदर बेसिकली टेन पॉइंट्स uh, हमने डिस्कस किए हैं अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर प्रोडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस लेवल प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर HRM. Developing amicable industrial relations, developing human skills, making possible the optimum utilization of resources, improving organizational effectiveness, and the last one is implementing changes unopposed. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.